अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बसपा पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह ने अपने जनशक्ति कोल्ड स्टोर को ध्वस्त करने का काम शुरू करा दिया है। ये वही कोल्ड स्टोर है जिसमें दबकर 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 8 गंभीर रूप से घायल हुए थे। बड़ी संख्या में यहाँ मजदूर कोल्ड स्टोर को गिराने का काम कर रहे हैं। आज फर्स्ट बाइट टीवी की टीम इनका जायजा लेने पहुंची, देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज जो दौराला में स्थित है और ये जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज का वो हिस्सा है जिसमें दबकर 7 लोगों की मौत हो गई और बाकी 8 घायल हैं जिसमें से 3 को भी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसका वो हिस्सा जो गिर गया था, मजदूरों के ऊपर मौत बन के बरसा था, ये वो हिस्सा है इसका। प्रशासन की ओर से जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक है पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह को कुछ दिनों की मोहलत दी गई थी कि वो खुद ही इस बिल्डिंग को गिरा दें और आज आप जैसा कि देख सकते हैं इस बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो चुका है। बुलडोजर यहाँ मौजूद है, इस बिल्डिंग को ढाया जा रहा है। आज जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज का फ्रंट है जिसे मजदूर आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ मजदूर लगातार इसको गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसको गिराया जा रहा है आज। आइए बात करते हैं मजदूरों से कि कब से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कब से इसको गिराने का काम शुरू हुआ है। अच्छा, कब से इसको गिराने का काम शुरू हुआ है, कब से लगे हुए आप यहाँ पर? कल से आए जी, हम तो कल से आए। कितना हिस्सा इसका गिरा दिया गया है और कितना पहले से गिरा हुआ था? पहले से जी, जो अब फिलहाल दिखाई दे रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है ये पहला ही गिरा गया है जी। ये जो ये वाला हिस्सा, ये वाला देखा, ये पहले ही गिरा हुआ है। आज आपने कल सब तक क्या गिराया है? हम तो जी ये तो ये मलबा वलबा ये, अच्छा ये इसे इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ से उठा उठा के। ये उस कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर का पार्ट है, एक बार देखिए इसको गौर से। ये पूरा वही पार्ट है जहाँ आलू की बोरी रखी जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक है, जैसा मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक है। वो हिस्सा भी ऐसा ही रहा होगा जहाँ पर 7 लोगों ने दबकर अपनी जान गंवा दी, वो भी सेम ऐसा ही हिस्सा रहा होगा। क्या नाम है आपका? आप बताएंगे, वो भी ऐसा ही था, दिखने में सेम ऐसा ही रहा है जी। वो भी ऐसी ही बिल्डिंग थी सेम जैसा आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो जो मजदूरों के ऊपर गिर पड़ी, इसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये 5 मंजिली बिल्डिंग जो मजदूरों के ऊपर मौत बन के बरसी है, गौर से देखिए इस बिल्डिंग को, वो भी बिल्कुल सेम ऐसी ही बिल्डिंग रही है जो मजदूरों के ऊपर गिरी है। वहीं आज फर्स्ट बाइट टीवी ने धमाके के दौरान मौजूद लोगों से बात की और हादसे का पूरा हाल जाना। तो मौजूद है कोल्ड स्टोरेज के ठीक बाहर जहां पर एक शॉप आप देख पा रहे हैं, इन लोगों ये लोग बताएंगे कि कैसा धमाका हुआ उस टाइम और इन्होंने कैसे कैसे वहां पर जो मौत के मंजर में घुसकर पर लोगों को बचाया। आपका नाम बताएं सबसे पहले आप। मेरा नाम मोहम्मद रजी है। अच्छा, कैसे उस दिन कैसे धमाका हुआ था और कैसी आवाजें आई थी? जुमा का वो शुक्रवार था, उस दिन हम लोग नमाज पढ़ के यही बात कर रहे थे, खाना वाना खा करके 3 बजे के वक्त ऐसी आवाज़ आई, बहुत ज़ोर धमाका सा हुआ और यहाँ तक दहल आई, हमारी दुकान ऐसे लगी अब गिरी, हम लोग बाहर को भागे और इधर से एक धूल मिट्टी सी उड़ती नज़र आई तो इधर पब्लिक आवाज़ मान लगी, भाई अंदर आओ अंदर आओ। वहाँ जा कर के देखा, जम्मू से मज़दूर आए थे धाम और उधमपुर से आए थे, वो लोग उधर खाना बना रहे थे, वो लोग उस लेंटर के नीचे दबे हुए थे, हमसे उन्हें देखकर रहा नहीं गया, हम 3-4 भाई जो भी थे हम सारे जाकर उन्हें बचाने में लग गए, जितनी भी हमसे बचत हुई उनको बचाने की कोशिश हुई। हमने फिर हेडरा भी फ़ोन करा, हेडरे को बुलाया, एक ही पिलर के नीचे 3-3 बंदे निकल रहे थे, उसमें मुर्दा हालत हो गई थी, 3 बंदे तो ऐसे बिल्कुल ख़त्म थे जिनमें जान भी नहीं थी और जिन्हों की और टांगें दब रही थी, उनको हमने पिलर हटा हटा के हाथों की मदद से ही, अपना इतना कुछ भी नहीं आ पाया था, शुरुआत में हमने ही मेहनत करी थी। और हमारे बाकी का इंट्रोडक्शन हमारे नवेद भाई। आपका नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम मोहम्मद नवेद है। नवीद, अच्छा इसमें ये बताइए किसकी लापरवाही रही कि ये बिल्डिंग का इतना बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा, मजदूरों पर मौत बन के बरसा है ये? तो मैम इसके बारे में तो कह नहीं सकते कि किसकी लापरवाही रही, कि हम तो ऑपरेटर को जानते हैं कि ऑपरेटर ही रहता है मशीन रूम में, जो एक 2 आदमी जो मशीन रूम में परमानेंट रहते हैं वो मशीन को चलाते हैं और उनका कोई काम नहीं है, और ये कैसा हादसा हुआ ये बता नहीं सकते हम। हमें तो यहाँ धमाका हुआ बहुत तगड़ा, उस धमाके में आवाज़ आई, हम पीछे गए और जाके हमने जिस तरीके से भी बचाया, 3 आदमी हमने मरे हुए निकाले और 4 आदमी हमने जिंदा निकाले पिलर के नीचे दबा के, ये तो हमारा।
अच्छा ये बोला जा रहा है कि चंद्रवीर पर कार्रवाई होनी चाहिए, चंद्रवीर की गिरफ्तारी नहीं जी, उनकी कोई गलती नहीं है ना उनको कार्रवाई, ये तो देखो जी हादसा है। अगर भूकंप आ जाता, चुप क्यों रहे हैं वो तो चुप कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है वो एडमिट है, लेकिन वो कहाँ एडमिट है ये किसी को नहीं मालूम भाई। ये तो हमें पता कि उनके यहाँ पे उनकी हालत बिगड़ गई थी, वो रो रहे थे और बहुत ज्यादा हालत नाजुक थी उनकी, वो यहाँ से चले गए इतना तो मुझे पता है। वैसे छुप नहीं रहे हुए और उनकी कोई गलती नहीं, अगर कोई भूकंप आ जावे उसमें के विधायक साहब थोड़ी जिम्मेदार होंगे भाई। ये तो एक मशीन है, आदमी चलता चलता भी मर जा, गाड़ी भी खराब हो जा भाई, ये तो एक हादसा तो हो गया। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैंने रोहन अंसारी, फर्स्ट बाइट टीवी। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।